वेलकम टू पेन स्टॉक। अभी हम लोग देखेंगे ट्रेंट लिमिटेड को। आज हम लोगों ने 3 स्टॉक्स के ऊपर वीडियो क्रिएट की है। दिस इज द सेकेंड स्टॉक आफ्टर कोरोमंडल इंटरनेशनल। अगर आप लोग ने मार्केट देखा है तो आपको पता होगा कि दीज आर टॉप 3 स्टॉक्स जो डाउन साइड में थे, जिन्होंने अच्छा फॉल दिया है। कोरोमंडल वॉज द फर्स्ट वन। सो अभी हम लोग ट्रेंड पे बात कर रहे हैं, देन इसके बाद हम लोग बजाज फाइनेंस पे वीडियो क्रिएट करेंगे। तीनों की वीडियो आप लोग चैनल पे देख सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, कार्ड्स में ऊपर आपको दिख जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू दी ट्रेंड। फर्स्ट हम लोगों ने जो चीज़ें ट्रेंड पे बात करेंगे, सेम चीज़ें हम लोगों ने हमारे कोरोमंडल और बजाज फाइनेंस पे भी बात किया हुआ है। सभी में हम लोगों ने उसकी हिस्ट्री, उसके फंडामेंटल्स, उसके टेक्निकल्स, साथ ही साथ हमने उसमें एक और चीज़ ऐड की है जो कि है न्यूज़ के साथ साथ उसका प्राइस फॉरकास्ट बाय दी एनालिस्ट। जो पुराने जितने भी एनालिस्ट हैं, उन्होंने जो जो प्राइस के टारगेट्स दिए हुए हैं स्टॉक के ऊपर, तो उसका एक प्राइस फॉरकास्ट है, वो हम लोगों ने प्रेजेंट करने की कोशिश की ताकि आप लोगों की डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद ट्रेंड। सो ट्रेंड की जो हिस्ट्री है, अगर आप देखेंगे तो एक वर्टिकल टावर की तरह है, ओके? और नीचे से आप देखिए एक अच्छा बेस बना हुआ है और साथ ही साथ एक वर्टिकल टावर खड़ा हो गया है। लास्ट क्वार्टर में आप देखेंगे इसने एक बहुत ही अच्छा जंप लिया है। फ्रॉम द लेवल ऑफ 2000 इट रीच टू द लेवल ऑफ 3290। काफ़ी अच्छा जंप आया, ये वाला कुछ ज़्यादा ही लंबा था। क्या ऐसा रीज़न थे? आई थिंक क्वार्टर बहुत अच्छा गया था, आई थिंक नंबर्स कुछ हो सकते हैं इसके बहुत अच्छे आ गए हों, शायद इस वजह से हो सकता है या कोई और भी वजह हो सकती है। उसको हम लोग जब फंडामेंटल्स और उसकी न्यूज़ देखेंगे तो वो हमको सामने दिख जाएगी, ठीक है। ओवरऑल हिस्ट्री की बात करें तो लगातार ब्रेथ में तो सीधा राइज एंड राइज एंड राइज दिख रहा है। एक लेवल था कभी ये सिर्फ 126 रुपए के आसपास ही ट्रेड किया करता था इन द ईयर ऑफ 2015 तक, ठीक है। 2015 के बाद उसको तोड़ा है ना उस लेवल को, उस दिन के बाद इसने पीछे मुड़ के देखा नहीं है। एक बार 2020 में थोड़ा बहुत गिरा था, बट उसके बाद उसी स्पीड से वापस रिकवर हुआ और उसने रिकवरी तो ऐसी दिखाई है, मतलब फिनोमिनल। तो आइए देखते हैं इसके फंडामेंटल्स, क्या ये फंडामेंटल्स को सपोर्ट करते हैं इस तरीके की रैली को कि नहीं करते हैं। अगर हम बात करते हैं ये कंपनी किस फील्ड में वर्क करती है, तो दिस वर्क्स इन द फील्ड ऑफ अपैरल्स एंड वुमेन्स वियर, मेंस वियर, किड्स वियर, फुट वियर्स, लिंगरी, cosmetics and perfumes, handbags, household furnitures, accessories field में काम करती है। इसके अलावा इनके पास beverages, food products and vegetarian, dairy, non-vegetarian, home furnishing सब है। Okay, इसके अलावा भी इनके पास काफ़ी कुछ है। They operates books and music retail chain under the landmark name that provides toys, adult एंड यंग अडल्ट बुक्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड मर्चेंटाइज, टेक एक्सेसरीज एंड गेमिंग, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, ये सब भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग, ओके। इनके पास 5 इंडिपेंडेंट लैंडमार्क स्टोर्स हैं, ओके, लैंडमार्क के आई थिंक ब्रांड के नेम से होंगे ये। और अगर मैं बात करूँ तो इनके पास 42 स्टोर्स हैं अंडर स्टार डेली के नाम से। ये कंपनी 1952 से हमारे मार्केट में प्ले कर रही है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। तो काफ़ी ही मतलब इंटरेस्टिंग इसका पोर्टफोलियो है इसके प्रोडक्ट का, मतलब काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमेशा आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ओके। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसकी ओनरशिप की, ये कंपनी का 45% कंपनी के खुद ओन करती है, ठीक है, क्लोजली हेल्ड बाई दी कंपनी। बाकी जो हैं 54% वो पब्लिकली अवेलेबल हैं स्टॉक मार्केट में, एक्सचेंज के ऊपर कोई भी बाय कर सकता है। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की वैल्यूएशन, ओके, अ वेरी हाई पी इज देयर। अगर बात करें इसका प्राइस टू अर्निंग, ये 183.37 के एक्स पे है,
वेरी हैवी. ओके नाउ अगर बात करें सेल्स की, वो 11.43 है. और अगर फटाफट एक बार देख लेते हैं इसका प्रीवियस हिस्ट्री कैसा रहा है वैल्यूशंस का. अगर मैं बात करूँ 2018 में इसकी पी थी 123 रुपये की, और 2019 में 135 की, और अगर 2021 की बात की जाए तो ये 400 रुपये तक, 400 का पी टच करके आ चुका है. ओके 400 टाइम्स, ओके दैट फिनोमिनल थिंग. ओके ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि 400x पे कोई स्टॉक मिला हो आपको. ठीक है, और 10x का सब वो मिल रखा हो प्राइस टू सेल्स. बट 2022 में ये डाउन आया है. देन उसके बाद डाउन के बाद आई थिंक 2023 में ये इंक्रीज हो गया है. राइट नाउ दिस इज़ ट्रेडिंग एट 183 के एक्स पे, इट्स वेरी हाई. चलिए देखते हैं क्या इसके फाइनेंशियल इसको सपोर्ट कर रहे हैं. ग्रोथ की बात की जाए तो रिवेन्यूज़ फ्रॉम 26 बिलियन से अभी तक 82 बिलियंस तक इंक्रीज हो चुके हैं. अगर प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो 44 बिलियन से ये 82 बिलियंस, मतलब रिवेन्यू तो डबल हुआ है ऑलमोस्ट. ठीक है, 2022 तक अगर मैं नेट इनकम की बात करूँ तो 1 बिलियन से 4 बिलियन हो गया है. मार्जिन्स में कोई खास बड़ा, ओके डबल हुए हैं मार्जिन्स, 2.3 से 5.4 हो गए. बट 2018 से बात की जाए तो 3.7 से कुछ ज़्यादा बड़ा इंक्रीज नहीं आया है. ऑलमोस्ट अगर 5 साल की बात की जाए तो कोई बहुत बड़ा फिनोमिनल चेंज नहीं है मार्जिन्स के अंदर. रीज़न ये हो सकता है इनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक है, तो किसी में मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, तो उसको देखते हुए एक सही है, स्टेबल है. ये कुछ सोर्सेज हैं इनके इस बिज़नेस के, कहाँ कहाँ से अपना अर्निंग करती है कंपनी, कमाती है. इसके अलावा अगर बात करते हैं कि इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड कैसा है, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कितना अपने प्रॉफिट का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट किया है. 2018 में 0.36% का यील्ड था, जो कि अभी हो गया है 0.16 का. इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग थोड़ी कम की है. व्हाई? ओके दिस इज़ डाउटफुल थिंग. डेप्ट इनके 4 बिलियन कभी हुआ करते थे, जो कि अभी इस समय 44 बिलियंस में हैं. फ्री कैश फ्लो तो है ही नहीं इनके पास, माइनस में हैं ये लोग. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 844 मिलियन है, प्रीवियस ईयर क्या थे 834. कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, सिर्फ 10 मिलियन का डिफरेंस है. और उससे पहले 770 मिलियंस थे इनके पास, मतलब 2020 में, उससे पहले 570, मतलब बहुत बड़ा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई गैप नहीं आया है. और इन सीधी बात है, अगर इनके पास पैसे हैं नहीं है तो पैसे सारे के सारे कॉस्ट में चले जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं. तो डिविडेंड यील्ड इज़ अ क्वेश्चन मार्क. बात करते हैं इसके अर्निंग्स की, तो अभी तक इसने, पहले ईयरली बात कर लेते हैं फटाफट. ठीक है, नेट इनकम इनकी ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर्स को ये क्रॉस कर चुके हैं. ठीक है, 4 बिलियन का था इनका 2022 का रिटर्न, और TTM में बात करें तो ऑलमोस्ट ये 6.29 बिलियन अर्न कर चुके हैं. तो कोई बड़ा फिगर तो नहीं है, बट देखा जाए रेवेन्यू के हिसाब से, क्योंकि प्रोडक्ट COGS बढ़ रखा है, तो कॉस्ट की जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं रॉ मटेरियल की, आई थिंक कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये होगा कि इनको ये रिटर्न नहीं मिला. बट इन्होंने ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर में उस लेवल को क्रॉस कर दिया जो प्रीवियस ईयर अर्न किया था, तो दे आर स्टिल गुड बट नॉट दैट गुड कि इतना हैवी है. इसकी बुक वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली ओवर वैल्यूड है कि नहीं, या फिर अंडर वैल्यूड है. 6 बिलियंस, ठीक है. क्वार्टरली वाइज देखा जाए तो ये लोग अर्न सही कर रहे हैं, लगातार हर क्वार्टर में अच्छी इनकम दिख रही है. ग्रोथ ईयर ऑन ईयर भी दिख रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दिख रहा है. आइए फटाफट देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट में इसका बुक वैल्यू क्या है. व्हाट अ सरप्राइज, इसका बुक वैल्यू सिर्फ 81 रुपीस तक है. ये क्वार्टरली है, मतलब ये लेटेस्ट में जो डेटा आया वो 81 रुपीज़ का दिखा रहा है. आई थिंक जो दिसंबर का डेटा आया होगा उसमें भी कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आया होगा, ज़्यादा ज़्यादा 80 से 90 या फिर 100 हो गया होगा. ये इट इज़ वेरी शॉकिंग कि बुक वैल्यू इतनी डाउन है. अगर मैं एनुअली बात करूँ तो बुक वैल्यू 73 रुपीज़ आ रही है मार्च 2023 की, और ये स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है 3054 रुपीज़ पे. तो अब हमें समझ में आता है कि पी इतनी हैवी क्यों शो हो रही है.
अगर उसके हिसाब से देखा जाए, अगर आप फंडामेंटल डेटा को अगर इसमें लगा देखें, उसको अगर मद्देनज़र बात करें, तो दिस स्टॉक इज़ वेरी हाई, हाईली ओवर वैल्यूड। चलिए अब एनालिस्ट की बात कर लेते हैं। एनालिस्ट क्या इसके ऊपर व्यू रखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये फॉरकास्ट को देख लेते हैं इसके। अगर हम फॉरकास्ट की बात करें तो दे आर 20 एनालिस्ट जिन्होंने ट्रेंड के ऊपर फॉरकास्ट दिया हुआ है, और जो मैक्सिमम रेंज वो देख रहे हैं वो है 3500 रुपीस की। जो लोएस्ट पॉइंट वो देख रहे हैं वो 2050 रुपए का। एक एवरेज लेवल की बात करूं तो 2717 रुपीस, मतलब करंटली ये 3000 पे चल रहा है, तो 2700 रुपए तक ये आने की उम्मीद है इनको। ये टेक्निकल डेटा है, कितने लोग इसमें बाय इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कितने लोग इसको स्ट्रॉन्ग सेल में है, ये ओवरऑल डेटा है इनका रिगार्डिंग दी एस्टिमेट्स एंड ऑल, किस तरीके उनके एस्टिमेट के मुकाबले उनके रिपोर्टेड डेटाज हैं, हर बार इंक्रीज़ हुआ है। तो आई थिंक इसी वजह से इसको काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर इनकी इंक्रीज़ हो रही है हर बार, तो ये भी शायद कुछ वजह हो सकते हैं। जैसे इन्होंने एस्टिमेट किया था 3.8 का और 4.2 निकल के आई है, एस्टिमेट 4.6 का था, रिपोर्ट इन्होंने 8.1 का किया है। तो अभी देखना होगा कि क्वार्टर थ्री में वो कैसा रिपोर्ट करते हैं ट्रेंड। तो ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है कि हाँ इन्होंने हर बार इनका EPS तो इंक्रीज़ हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। ये कुछ रीजंस उसमें जिसकी वजह से इसको ओवर वैल्यू करके रखा हुआ है मार्केट में। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें ये जस्टिफाइबल नहीं है। अगर हम लोग फंडामेंटल्स को ध्यान रखें तो ये प्राइसिंग ये ओवर वैल्यूड है, काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ओके, तो अगर कोई भी फॉल आता है तो सीवियर होगा डेफिनेटली। तो अगर आप देखें तो जो ये फॉल आया है आज, तो यही वो कारण है कि किसी को मौका मिला होगा तो उसने बुक करने में देरी नहीं की है। क्या ये लगातार चलता आएगा, क्योंकि डेली पे अभी तक मैं हूँ लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा लेवल नहीं दिखा है जहाँ पे हमारे ACT टूल ने कहीं पे भी इसमें मार्क नहीं किया है। तो ये ऑटोमेटिकली अगर शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसी बाइंग नहीं आई है जिसकी वजह से जहाँ पे ये रुक सकता है, तो इट्स अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन कि ये रैली जो आई है आई थिंक या तो फिर ऑपरेटर्स के द्वारा लाई गई या फिर भी फर्जी बोली जा सकती है, ठीक है, या फिर ट्रैप्स हो सकते हैं ये सब चीज़ें। और बात करते हैं लेवल्स की, तो ये एक प्रीवियस लेवल था जो ऑलरेडी प्री एक्टिवेटेड है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, ठीक है, तो इतना खास इसकी वैल्यू नहीं है। बात करते हैं और थोड़ा नीचे जाके देखते हैं कोई लेवल दिख रहा है। ओके, ये 200 मूविंग एवरेज पे हमारा आया हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। आज इसने डायरेक्टली एक बार में 75 मिनट के 200 मूविंग एवरेज को टच कर लिया है सिर्फ कुछ ही दिनों में। तो इट्स अ सीरियस थिंग, कि ध्यान देने वाली चीज़ है, ऐसा क्यों हुआ है, सॉरी एक ही दिन में ही हुआ है, क्योंकि 75 मिनट है ना, राइट। तो इसको ध्यान देने का होगा कि ये कहाँ तक आ सकता है। अगर मैं बात करूँ हमारे जो एनालिस्ट का लेवल है दैट इज़ अराउंड 2050, तो 2000 के आसपास वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और न्यूज़ में भी कुछ ऐसा आया हुआ है क्या ट्रेंड से रिलेटेड, ओके, ट्रेंड ने अपना एक स्टोर खोला है प्रयागराज के अंदर नाउ। जेफरीज़ या करें, जेफरीज़ ने कुछ इसके ऊपर बोला है। जेफरीज़ एडजस्ट ट्रेंड लिमिटेड प्राइस टारगेट टू INR 2050 रुपीस, ओके, और 1640 था पहले इनका टारगेट, उसे अभी इन्होंने थोड़ा इंक्रीज़ किया, 2050 पे लेकर आ गए हैं और होल्ड पे इन्होंने रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि एक डाउनसाइड तो है राइट नाउ, जेफरीज़ को भी लग रहा है कि ये ओवर वैल्यूड है, इसका जो टारगेट होना चाहिए था सिर्फ 2050 के अराउंड होना चाहिए था। तो हमको भी लग रहा है क्योंकि हमारे डेटा में कोई ऐसा लेवल नहीं दिख रहा है जहाँ पे इस पे बाय किया जा सकता है, गैप्स दिख रहे हैं अच्छे खासे हैं। तो इस लेवल पे काफ़ी अच्छी बाइंग है, एंट्री हुई थी जिसकी वजह से ऊपर हाई गया, तो डेफिनेटली तो ये नीचे भी उसी स्पीड से आएगा जिस स्पीड से गया है। तो अब देखने वाली बात है ये कहाँ तक हमको दिखता है, क्या हमें 2000 का लेवल मिलता है, और अगर मिलता है तो मार्केट में भी काफ़ी अच्छा फॉल इसकी वजह से आएगा। सो दिस इज़ ऑल ऑन ट्रेंड। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपको कोई भी चीज़ें अच्छी लगी हो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए।
आपके क्या व्यूज़ हैं ट्रेंड से रिलेटेड, वो हमें कमेंट में लिख के बताइए। अदर देन दैट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। दिस वीडियो इज इंटेंडेड सोली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड वी डू नॉट ऑफर ट्रेडिंग टिप्स और एडवाइजरीज। द कंटेंट प्रेजेंटेड रिफ्लेक्ट्स आवर बेस्ट नॉलेज एंड वी हैव नो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हार्म टू एनीवन्स रेपुटेशन और अपोजिंग एनी स्पेसिफिक व्यूज। वी वेलकम सजेशंस एंड एम्फसाइज दैट द वीडियो रिप्रेजेंट्स आवर पर्सपेक्टिव्स ऑन द डिस्कस टॉपिक। वी हैव बीन ए NISMBA सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द पास्ट 7 years. NISM was established in 2006 by the Securities and Exchange Board of India, SEBI. We are not SEBI registered financial advisors. We request all the listeners to do their research before mobilizing their money or making any financial decision.